गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स स्टूडेंट एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड वेलकम टू योर हिस्ट्री क्लास चैप्टर फोर इन द अर्यस्ट सिटी तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटे से इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं सो इन दिस इंट्रोडक्शन देर आर टू स्मॉल चिल्ड्रन लाइक यू ऑल एंड दे बोथ आर वेरी क्यूरियस ओके मसपाल हरपीत एंड दे बोथ वर प्लेइंग क्रिकेट इन दियर बाय प्ले ग्राउंड ठीक है उनके घर के पास में एक प्ले ग्राउंड था या खाली लैंड था उस लैंड में ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे अब जिस लैंड में क्रिकेट खेलते थे वहां पे एक बहुत ओल्ड बिल्डिंग भी थी और इस ओल्ड बिल्डिंग को ये दोनों बच्चे किस नाम से कहते बुलाते थे हॉन्टेड हाउस वो जो ओल्ड बिल्डिंग थी उसे ये दोनों बच्चे क्या बोलते थे हॉन्टेड हाउस भूतिया घर तो एक दिन ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने ऑब्जर्व करा कि कुछ लोग वहां पे आए हुए हैं और उस ओल्ड बिल्डिंग को बहुत ध्यान से देख रहे हैं ठीक है देख उस ओल्ड बिल्डिंग को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं देख रहे हैं तो इन लोगों में से एक आदमी बोला लुक एट द आर्किटेक्चर एंड वन ऑफ द मैन तो वो जो लोग बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहे थे उनमें से एक आदमी बोला आर्किटेक्चर को देखो कितना अच्छा इसने काम करा है कितनी सुंदर बिल्डिंग है और एक वुमेन बोली हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग क्या तुमने वुड की कार्विंग देखी कितनी अच्छा वुड का काम कर रखा है तो फिर उनमें से एक बोला वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस तो उनमें से एक बोला कि हमें मिनिस्टर को इस ओल्ड बिल्डिंग के बारे में बताना चाहिए ताकि वो अरेंजमेंट कर पाए इसी ओल्ड बिल्डिंग को प्रिजर्व करने की और अगर इसमें कुछ रिपेयर की जरूरत है रिपेयर करवाने की वाई दे वो वुड एनी बडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस तो अब ये दोनों बच्चे उनकी बातें सुन रहे थे और ये दोनों बच्चे आपस में कहने लगे क्यों क्या जरूरत है इस ओल्ड बिल्डिंग के बारे में गवर्नमेंट को बताने कौन इंटरेस्टेड होगा इस ओल्ड बिल्डिंग के बारे में जानने के लिए ले। लेकिन स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो ओल्ड बिल्डिंग होती है ओल्ड बिल्डिंग के थ्रू हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं और उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जैसे कि हमें हंटर गैदर्स इन सब के बारे में कैसे पता चला उनकी जो पुरानी चीजें रिमेन्स उन्होंने छोड़े हुए थे या तो अपने टूल्स या तो कुछ निशान निशानी वगैरह छोड़ी हुई थी जिसके थ्रू हमें हिस्ट्री का पता लगता है ठीक है तो हेयर द स्टोरी बिगेन्स द स्टोरी ऑफ हरप्पा ठीक है ये जो अब हाँ, सबसे पहली स्टोरी है हरप्पा की हरप्पा क्या थी एक साइट थी साइट मैंने आपको बताया है साइट वो जगह होती है जहां पे या तो एनिमल्स के या उनके जो जो आ, हंटर गैदर्स या जो पहले जमाने के जो लोग थे वो कैसे रहा करते थे उसके सबूत मिलते हैं वो सबूत कुछ भी हो सकते हैं या तो इंसानों के खुद के सबूत भी हो सकते हैं या जो टूल्स वो लोग यूज करते थे उसके सबूत हो सकते हैं जो एनिमल्स वो लोग यूज करते थे वो सबूत हो सकते हैं कुछ भी रिमेन्स हो सकते हैं ठीक है तो साइट वो जगह होती है जहां पे पुराने टाइम के लोगों के रिमेन्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट उसकी डिस्कवरी करते हैं और उनको पता चलता है हिस्ट्री पता चलती है उसे हम क्या बोलते हैं साइट तो उनमें से ही एक साइट है हरप्पन साइट ठीक है तो हमने पढ़ा था न्यूलॉथिक पीरियड तक इन लास्ट चैप्टर की न्यूलॉथिक पीरियड में जो लोग थे उन्होंने उन्होंने हंटिंग के अलावा और क्या काम स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने एनिमल्स को पालना भी स्टार्ट कर दिया था जो लोग एनिमल्स को पालते थे और जो लोग फार्मिंग करते थे उन्होंने अपनी एक अलग सोसाइटी बनाई जिसको वो लोग क्या कहते थे ट्राइब्स अब जो लोग खेती करते थे और जो लोग एनिमल्स को पालते थे वो एक गांव में रहने लगे और वो लोग आपस में अपने आप को एक ट्राइब कहने लगे कि यहाँ पे वही लोग रहेंगे जो खेती करेंगे या फिर एनिमल्स को पालेंगे राइट ठीक है अब एक गांव पहले गांव छोटा था फिर उसमें थोड़े और लोग आए थोड़े लोग आए तो ऐसे करके वो सिटीज बन गई एक सिटीज एक कुछ इस जगह पे गई एक सिटीज यहां गई एक सिटी वहां गई ऐसे करके के बहुत सारी उन्होंने सिटीज बना दी हालांकि उस टाइम की सिटीज इतनी बड़ी नहीं होंगी जितनी आज की है ठीक है बट उस टाइम पे भी छोटी छोटी सिटीज बनना स्टार्ट हो गया था इस सिटी में इस टाइप के लोग इस सिटी में इस टाइप के लोग ठीक है वो ओवरऑल होते एक ही थे लेकिन इस सिटी में इस रिलीजन के लोग उस सिटी में उस रिलीजन इस टाइप का होते रहता था ठीक है तो हेयर द स्टोरी बिगेन्स वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग स्टोरी टू टेल तो हमें पता है कि ज्यादातर जो ओल्ड बिल्डिंग होती है उनसे उन हमें कुछ ना कुछ स्टोरी पता चलती है तो नेर, हंड्रेड एंड फिफ्टी ईयर एगो वेन रेलवे वर वे बीन लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब इंजीनियर स्टम्बल अपॉन द साइट ऑफ हरप्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान तो आज से डेढ़ सौ ईयर पहले आज से वन फिफ्टी ईयर्स पहले सबसे पहली रेलवे लाइन डल रही थी कहाँ पे डल रही थी पंजाब में ठीक है आज से वन फिफ्टी ईयर्स पहले सबसे पहली रेलवे लाइन डल रही थी जो कि पे डल रही थी पंजाब लेकिन ये जो पंजाब की यहाँ पे बात हो रही है वो अभी किसका पार्ट है पाकिस्तान में लेकिन तब वो किसका पार्ट था इंडिया का पार्ट था एज वी ऑल नो दैट वन पंजाब इज इन इंडिया एंड वन पंजाब इज इन पाकिस्तान ठीक है लेकिन यहां पे जिस पंजाब की बात हो रही है जहां पे रेलवे लाइन डर रही थी वो पंजाब कहां पे है? आज के टाइम पे पाकिस्तान में बट वो पहले इंडिया का ही पार्ट था टू दैम Like स थे जब वो रेलवे लाइन डाल रहे थे तो वो स्टम्बल हो गए एकदम हैरान हो गए ये देख के की जहां पे वो रेलवे लाइन डाल रहे हैं उसी के आसपास उन्हें रेडीमेड और बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स का माउंट मिला है मतलब ढेर मिला है सो दे कैरी सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स अब उनको जहां पे वो जो आ, जहां पे इंजीनियर्स रेलवे लाइन डाल रहे थे वहां पे उन्हें कुछ बिल्डिंग या फिर कुछ ढेर ब्रिक्स का कुछ ढेर या कुछ वॉलें कुछ कुछ वॉलें टूटी हुई थी कुछ सही कंडीशन में थी वो वॉलें उन्हें दिखाई दी और वो जो आ, ब्रिक्स थी वो बहुत हाई क्वालिटी की और रेडीमेड थी ऑलरेडी ब्रिक्स बनी हुई थी और बहुत अच्छी क्वालिटी की वो ब्रिक्स थी तो इंजीनियर बहुत खुश हो गए कि हमें तो अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमें दूर दूर से ईंटें नहीं लानी पड़ेगी क्योंकि हमें तो पास में ही ईटें मिल गई तो उन्होंने इन ब्रिक्स को इन वॉल्स को तोड़ के उन ब्रिक्स उन ब्रिक्स का यूज रेलवे लाइन बनाने के लिए कर लिया ठीक है इंजीनियर्स ने क्या करा वो वॉलें तोड़ी वो बिल्डिंग्स को तोड़ी जो वो जगह थी उस जगह में से बिल्डिंग्स तोड़ी और उस बिल्डिंग्स को तोड़ने के बाद जो ब्रिक्स थी उसका यूज उन्होंने क्या बनाने के लिए कर लिया उन्होंने अपनी रेलवे लाइन बनाने के लिए कर लिया तो फिर अब आज से 80 इयर्स पहले ये तो कहा वन फिफ्टी ईयर्स पहले की जब रेलवे लाइन डल रही थी और इंजीनियर्स ने सारी ब्रिक्स वहां से यूज कर ली थी अब एट्टी ईयर्स पहले आर्क्योलॉजिस्ट को इस साइट के बारे में पता चला और उन्होंने रियलाइज करा कि जो साइट है जहां पे रेलवे लाइन डली थी वो सबसे पुरानी पुरानी सिटी थी सबसे ओल्ड सिटी थी और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट सिटी थी एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड क्योंकि वो पहली सिटी थी जिसके जिसको डिस्कवर दिसको करा गया था ऑल अदर साइड फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वर फाउंड वर वाइबर हरपर अप और भी ऐसी साइट्स और भी ऐसी जगह जहां से वैसे ही ब्रेक्स वैसे ही चीजें मिली जो इस साइड से मिली उस साइड को जो आर्क्योलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या नेम दे दिया हरप्पन साइट ठीक है दीज साइट सिटीज डेवलप्ड अबाउट फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड एगो अब ये जो हरप्पन सिटीज थी ये कितने साल पहले बनी थी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड ईयर्स पहले ये जो सिटी थी ये डेवलप जो करी थी अर्ली मैं वगैरह ने वो फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड ईयरस इतनी पुरानी सिटीज थी ठीक ¿Qué? Yeah. तो 150 फिफ्टी ईयर्स पहले जब रेलवे लाइन डली थी तो इंजीनियर्स uh, ने क्या किया इन ईटो का यूज कर लिया 80 ईयर्स पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी खोज करी और उनको पता चला कि जहां पे रेलवे लाइन डली है ये तो बहुत पुराना एरिया है और इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया हड़प्पन नाम दे दिया जो कि फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड पहले सिटीज uh, बनी थी वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन तो हमने देखा है कि ज्यादातर क्या होता है जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती है ओल्ड बिल्डिंग्स होती है उसको उसका हम यूज नया कंस्ट्रक्शन के लिए हम उसको यूज कर लेते हैं लेकिन क्या ये सही है पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ के नया कंस्ट्रक्शन करना क्या ये सही है अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट कराइट बिकॉज वी कम टू नो अबाउट सेवरल थिंग थ्रू ओल्ड बिल्डिंग ठीक है ओल्ड बिल्डिंग्स के थ्रू हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जानने को मिलता है जैसे कि हमें हंटर गैदर सीन सबके बारे में किसके थ्रू जानने के लिए मिला उनके जो रिमेन्स थे वैसे जो ओल्ड बिल्डिंग्स के थ्रू भी हमें काफी चीजें जानने के लिए मिलती है सो दिस वॉज आज फर्स्ट नाउ वट वॉज अबाउट स्पेशल अबाउट दिस सिटी अभी जो हरप्पन सिटीज वगैरह थी इनके बारे में क्या स्पेशल था मैनी ऑफ दीज सिटीज व डिवाइडेड इन टू टू पार्ट अब ये जो सिटीज थी ये टू पार्ट में डिवाइडेड थी ठीक है जो वेस्ट वाला पार्ट था एक तो वेस्ट हो गया और एक ईस्ट हो गया ये टू पार्ट में सिटी सपोज एक सिटी है इसको टू पार्ट में डिवाइड करा गया था जो सिटीज की जो सिटीज हाइट में लंबी थी ठीक है जो सिटीज हाइट में लंबी थी लेकिन ये ब्रेथ वाइज छोटी थी उसको इन्होंने क्या नाम दिया एरिया वाइज इतनी लंबी नहीं थी वो सिटीज क्या होगी ठीक है जो हाइट में लंबी थी यूजली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हाई जो एरिया वाइज स्मॉलर था लेकिन हाइट वाइज लंबा था उसको आर्क्योलॉजिस्ट ने क्या बोला सिटाडेल और वो वाला पार्ट जो एरिया वाइज लंबा था लेकिन हाइट वाइज छोटा था उस पार्ट को क्या बोल दिया लोअर टाउन और ये ईस्ट की तरफ था ठीक है आर्क्योलॉजी डिस्क्राइब दिस एज अ सिटाडेल जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर दिस इज कॉल्ड द Lower town. इस को क्या कहा गया लोअर टाउन so well अब ये जो cities की जो दीवारें थी ठीक है जो सिटीज की वॉलें थी इसमें जो ईटे थी जो ब्रिक थी वो बहुत अच्छी तरीके से बेक करी थी मीन्स उनको बहुत अच्छी तरह से भट्टी में पकाया गया था और वो इतनी अच्छी तरीके से पकाया गया था कि आप उसका आइडिया लगा सकते हो कि वो इतने सालों तक मतलब अच्छी कंडीशन में एकदम सेम टू वैसी ही कंडीशन में अभी भी थी द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेक द वॉल स्ट्रांग अभी जो ब्रिक्स थी ठीक है ये जो वॉल uh, थी वॉल में जो ब्रिक्स ये लोग अरेन्ज करते थे यू कैन सी दैट इन्होंने इंटरलॉकिंग पैटर्न में इसे एक के अंदर एक एक के अंदर एक तरीके से फसाया हुआ था ठीक है जो लोग थे उस टाइम के उन्होंने क्या करा गया था जो उन्होंने क्या करा था जो उस टाइम पे वॉल थी ठीक है उस टाइम पे जो वॉल थी उसपे अच्छी तरीके से भट्टी में पकाई हुई बे, बेक्ड ब्रिक्स का यूज करा हुआ था और जो ब्रिक्स थी उन्होंने इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनाई थी ताकि जो दीवारें हैं वो बहुत मजबूत रहें इन सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्शन सिटाडल अब उनमें से ही सिटाडे वाला पार्ट था एज आई है जो वेस्ट में था और जो लंबा पार्ट था उसको सिटाडेल बोलते थे ठीक है तो सिटाडेल में उन्होंने जो हंटर गैदर्स या फिर जो अर्ली मैन थे उन्होंने कुछ अलग टाइप का कंस्ट्रक्शन करा था ठीक है उन्होंने कुछ अच्छा स्पेशल बिल्डिंग बनाई थी जो सिटाडेल वाला पार्ट था उसमें उन्होंने कुछ स्पेशल बिल्डिंग बनाई हुई थी फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजारो वेरी स्पेशल टैंक आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बार जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते ले लेते हैं मोहनजुदारो का मोहनजारो किस में था सिटाडेल में था मतलब कि वो वाला पार्ट जो ऊंचा था ठीक है मोहनजुदारो में जो तो मोहनजुदारो एक जगह का नेम था जो कि सिटाडेल में था उस टाइम पे लोगों ने क्या करा वहां पे एक स्पेशल टैंक बनाया ठीक है जो मोहनजदारो है वहां पे जो लोग थे उन्होंने एक स्पेशल टैंक बनाया जिसको आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहा करते थे ग्रेट बाद जिसका नाम आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या रख दिया ग्रेट बाद उस एरिया में मोहनजदारो में एक स्पेशल टैंक बनाया जिसका नाम आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या रख दिया ग्रेट बाद वॉज बिल्ट इन दिस एरिया दिस वॉज लाइन विद ब्रिक्स अब ये जो एरिया था ठीक है जो मोहनजदारो में जो ग्रेट बाध बनाया गया था उसमें जो ईटों का यूज करा था वो बहुत अच्छी तरीके से करा गया था. था इतनी अच्छी तरीके से पैक थी कि उसमें से पानी बाहर नहीं जा सकता था ठीक है देयर वर स्टेप लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड अब ये जो इस टाइप का ग्रेट बात यह है ठीक है ग्रेट बात यह है थोड़ी अंदर को उन्होंने क्या बनाया एक गड्ढा जैसा बनाया और एक साइड दो साइड से रास्ता था एक इस साइड से रास्ता हो गया एक इस साइड से रास्ता हो गया यहाँ जाने का ठीक है और इसमें चारों साइड से इसको वॉल्वे बना दी और वॉल में जो ब्रिक्स थी बहुत अच्छी तरीके से लगाई और प्लास्टर की कोटिंग कर दी जाकि ताकि पानी इसमें से लीक ना हो और लोग क्या करते थे ऐसा कन्फर्म नहीं है बट मे बी वो लोग क्या करते थे कुएं या वेल, वेल वगैरह से पानी लेके आते थे, थे और यहाँ पे डालते थे ठीक है इस टाइप का वो ग्रेट बात था एज यू कैन सी इन द पिक्चर ठीक है इतनी उसकी ज्यादा ज्यादा गहरा भी नहीं था ऐसा कुआं होता है उतना गहरा नहीं था हल्का सा गहरा था दो साइड से सीढ़ियां थी और वॉल्स वगैरह काफी अच्छी तरीके से उन्होंने आ, लाइन अप करी हुई थी जो ईटे थी बहुत अच्छी तरीके से लाइन अप करी गई थी ताकि पानी उसमें से बाहर ना जाए देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड और उसके चारों साइड एक रूम टाइप के भी थे यहाँ पे जैसे एक रूम है यहाँ पे इस टाइप से छोटे छोटे रूम टाइप के भी थे उसके चारों साइड ऊपर से ओपन ठीक है कोटेड विद वॉटर टाइट लेयर ऑफ नेचुरल टार देर स्टेप्स लीडिंग डाउन इट फ्रॉम आफ्टर यूज का यूज करने के बाद उसे भी कर देते थे पर है डिपेंड इन दिस टैग ऑन स्पेशल ओकेजन अब ये तो कन्फर्म नहीं है पर आर्क्योलॉजिस्ट एक आइडिया लगाते हैं कि ये जो ग्रेट बात था उसका यूज जो इम्पोर्टेंट लोग होते होंगे उस टाइम के ऐसे बताया था ना जो गांव का मुखिया वगैरह होता होगा जो राजा वगैरह उस टाइम पे कुछ होते होंगे वो लोग यूज करते थे इस ग्रेट बात को वो लोग क्या करते थे पानी आ, पानी वहां पे गांव के लोग उसमें पानी डालते होंगे और वो लोग उसमें डुबकी लगाते थे वो स्पेशल ओकेजन में ग्रेट बात में अदर सिटीज सच एज काली कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर ऑल्टर्स वेयर सैक्रिफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म और जैसे कि जैसे कि मोहनजोदड़ो में ग्रेट बात बना था वैसे ही कुछ और भी साइट्स ही कौन-कौन सी कौन -कौन साइट जैसे कालीबंगन हो गया लोथर हो गया वहां पे जो लोग थे उन्होंने क्या बनाया फायर ऑल्टर्स फायर ऑल्टर्स को वो लोग किसने यूज करते थे सेक्रीफाइसेज मे हैीफाइसेस मतलब जब लोग मर जाते थे ऐसा अनुमान लगाया नॉट अ परफेक्ट ठीक है वहां पे जो लोग थे वो लोग क्या करते थे जो लोग मर जाते थे वहां पे उनको मे बी बर्न करा जाता हो या फिर किसी की पहले से बोलते थे ना हम इसकी वहां पे लोगों को सेक्रीफाइस करा जाता था मे हैव बिन परफॉर्म एंड सम सिटीज लाइक मोहनजुदारो हरप्पा एंड लोथल है एलोबोरेट स्टोर हाउस और जो कुछ सिटीज थी जैसे मोहनजुदारो हरप्पा और लोथल इनको स्टोर हाउस की तरह भी यूज करा जाता था मीन चीजें स्टोर करने के लिए भी यूज करा जाता था करा जाता था दिस इज द ग्रेट बात ओके नाउ हाउस ड्रेन एंड स्ट्रीट साइट्स वर फाउंड इन द पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान एंड इन गुजरात अब ये जो साइटें थी वो कहां पे मिली थी जहां पे अच्छी ब्रिक्स का काम हुआ था साइट्स वर फाउंड इन द पंजाब कुछ पंजाब में मिली थी एंड सिंध इन पाकिस्तान और जो कि कहां पे है पाकिस्तान के सिंध में एंड इन गुजरात राजस्थान गुजरात और राजस्थान में भी साइटें थी हरियाणा एंड द पंजाब इन इंडिया हरियाणा और इंडिया में जो पंजाब है वहां पे भी आर्कियोलॉजिस्ट है सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट इन ऑलमोस्ट ऑल दीज साइट अब ये जितनी भी साइटें यहां पे दे रखी है पंजाब गुजरात राजस्थान पाकिस्तान ठीक है यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको बहुत यूनिक यूनिक चीजें मिली जैसे कि रेड पॉटरी पेंटेड विद डिजाइन इन ब्लैक स्टोन वेट सील्स स्पेशल बीट कॉपर टूल यू कैन रीड दिस ठीक है अब यहाँ पे वो साइट्स हैं जहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वहाँ उनको कुछ स्पेशल चीजें मिली इन साइट्स